देश में कोरोना के कहर से हड़कंप, दिल्ली में 15 नए मामले सामने आए। दिल्ली में इटली के 21 में से 15 पर्यटकों में कोरोना वायरस होने की एम्स में की पुष्टि, पॉजिटिव आया टेस्ट। सभी इटली के पीड़ित पर्यटकों को दिल्ली के छावला में ITBP कैंप में रखा गया। नोएडा के स्कूली बच्चों और परिजनों को कोई खतरा नहीं, सभी 6 संदिग्धों का टेस्ट नेगेटिव। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कहा जांच नेगेटिव होने के बाद भी 6 लोगों को 14 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा। आगरा के 13 कोरोना संदिग्धों में से 6 की रिपोर्ट का इंतजार, सभी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। आगरा के साथ अन्य लोगों को उनके घर के अंदर रखा गया, किसी से नहीं मिलने की दी गई है हिदायत। आगरा प्रशासन की अपील, घबराने की बात नहीं, सावधानी बरतने की नसीहत। संसद भवन में बीजेपी सांसद KG अल्फोंस ने सैनिटाइजर के जरिए बताया कोरोना से बचने का तरीका, दूसरे सांसदों को किया जागरूक। दिल्ली के कारोबारी के बच्चों वाले स्कूल में अगले 3 दिन तक छुट्टी, स्कूल बिल्डिंग में सैनिटाइजेशन का काम जारी। आज मुंबई में एक और पुणे में एक कोरोना के संदिग्ध का मामला आया सामने, जांच रिपोर्ट का इंतजार। बुलंदशहर में रिश्तेदारों के पास भी गया दिल्ली का संक्रमित कारोबारी, 4 रिश्तेदारों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। नोएडा के एक और स्कूल में छुट्टी का ऐलान, प्रशासन का दावा हालात पूरी तरह से काबू। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे कोरोना के संदिग्ध को अस्पताल में किया गया भर्ती, सऊदी अरब से लखनऊ पहुंचा था यात्री। कोरोना के खतरे के चलते इटली, जापान, ईरान, साउथ कोरिया के यात्रियों के वीजा पर लगी रोक, भारतीयों को भी इन देशों की यात्रा से बचने की एडवाइस। कोरोना के खतरे पर PM मिली समीक्षा बैठक, ट्विटर पर दिया संदेश, घबराने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में कोरोना के बाद करतारपुर यात्रा को लेकर बढ़ी चिंता, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बोले दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं पर होगी कड़ी नजर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी कोरोना का संदिग्ध अस्पताल में भर्ती, जांच रिपोर्ट का इंतजार। हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए 7 संदिग्ध, कोरोना की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। कोरोना के खतरे के चलते बलरामपुर में नेपाल बॉर्डर पर सख्त निगरानी, सीमा पार आने जाने वालों पर हो रही है जांच। कोरोना की चपेट में ईरान के तेहरान में दुर्गापुर के रहने वाले 11 लोग फंसे, परिवार वालों ने सरकार से की मदद की गुहार। हैदराबाद से उमरा के लिए सऊदी अरब गए 120 श्रद्धालु भी कोरोना की वजह से फंसे, नहीं मिली देश में एंट्री। चीन में अब तक कोरोना से 2,981 लोगों की मौत, पीड़ितों की संख्या 80,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3100 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना के खात्मे के लिए वर्ल्ड बैंक ने किया मदद का ऐलान, $12 बिलियन का फंड जारी। मध्य प्रदेश की सियासत में तोड़फोड़ का दौर शुरू, गुरुग्राम के होटल लाए गए बीजेपी कांग्रेस के कुछ विधायक। बीजेपी के ऑपरेशन के खिलाफ कमलनाथ सरकार भी हरकत में आई, आधी रात को ही गुरुग्राम के होटल पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी। होटल में BSP विधायक रामबाई भी मौजूद थी, कांग्रेस ने किया 4 विधायकों के वापस लौटने का दावा। होटल में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई धक्का मुक्की, कुछ पुलिस अफसरों पर कांग्रेस नेताओं को रोकने का आरोप। कांग्रेस का दावा, मध्य प्रदेश सरकार पर कोई खतरा नहीं, बीजेपी पर मढ़ा, विधायकों को करोड़ों का लालच देने का आरोप। मध्य प्रदेश के मंत्री PC शर्मा बोले बीजेपी ने विधायकों को बंधक बनाया और लालच दिया, इसमें कई बड़े नेता शामिल। दिग्विजय सिंह बोले आरोपों पर बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कमलनाथ के मंत्री जीतू पटवारी ने कहा जोड़ तोड़ के पीछे शिवराज सिंह चौहान मास्टरमाइंड। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, बोले कमलनाथ सरकार अपने आंतरिक कलह से परेशान। मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार है, ये अपने अंतर विरोध और अंतर कलह से ग्रसित है। पुलिस के हत्या चढ़ा दिल्ली, हिंसा का गोली मार, यूपी के शामली से गिरफ्तार हुआ शाहरुख। आरोपी शाहरुख को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत भेजा, पुलिस ने शुरू की पूछताछ। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में शाहरुख ने कबूला जुर्म, कहा गुस्सा आया इसलिए की फायर। जाफराबाद में शाहरुख ने किए थे 8 राउंड फायर, पुलिस कांस्टेबल पर तानी की बंदूक। आप पार्षद ताहिर हुसैन की अग्रिम जमानत पर आज दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट रूम से बाहर निकले ताहिर के वकील के खिलाफ, वकीलों ने की नारेबाजी। दंगा के आरोपी आप विधायक ताहिर पर पुलिस ने साफ की तस्वीर, झूठा था अपने घर में दंगाइयों से घिरा होने का उसका दावा। दिल्ली हिंसा के पहले नेताओं की जहरीली बयानबाजी पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, याचिका में नेताओं पर FIR दर्ज करने की मांग। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने किया दंगा प्रभावित शिव विहार का दौरा, पीड़ितों से की बात। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और मुकुल वासनिक ने भी दंगा प्रभावित खजूरी खास इलाके का किया दौरा, केजरीवाल और मोदी सरकार को बताया जिम्मेदार। कपिल मिश्रा की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल, कहा दंगा फैलाने वालों को दी जा रही है Y+ सुरक्षा। और सीना जोरी की कार्रवाई है, जो जो दंगे भड़काने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा में सरकार खड़ी है।
वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा को लेकर खड़ा हुआ विवाद, तो कपिल मिश्रा ने भी सफाई, कहा 2017 से मिल रही है सिक्योरिटी। दिल्ली हिंसा को लेकर दूसरे दिन भी संसद में दंगल, गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा करने वाले सांसदों को दी निलंबित करने की चेतावनी, प्ले कार्ड दिखाने पर लगाई रोक। बीजेपी सांसद संगीता सिंह देव ने भी लगाया सदन में धक्का मुक्की और बदसलूकी का आरोप, विपक्ष की दो महिला सांसदों पर साधा निशाना। दिल्ली हिंसा पर विपक्ष की संसद में तुरंत चर्चा की मांग, स्पीकर चाहते हैं होली के बाद हो चर्चा। स्पीकर की मंशा पर कांग्रेस की आपत्ति, अधीर रंजन ने पूछा सवाल, देश में जो खून की होली खेली जा रही है उसका क्या। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के दिल्ली आवास पर तीन लड़कों ने की घुसने की कोशिश, रोकने पर सिक्योरिटी स्टाफ से धक्का मुक्की। अज्ञात हमलावर अधीर रंजन के घर से कागजात ले गए, घटना के बाद आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी में जल निगम की भर्तियों के मामले में जांच का दायरा बढ़ा, आजम खान पर शिकंजा कसने के बाद कई अभ्यर्थियों की होगी जांच। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल के सामने कार में अचानक लगी आग, उसमें सवार दंपति ने कूद कर बचाई जान। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने के बाद दो आरोपी गिरफ्तार। हरदा में नौकरी दिलाने के नाम पर 5.5 लाख की ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में अस्पताल परिसर से बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। करनाल में टोल प्लाजा पर सामने आई युवक की गुंडागर्दी, हथियार लहराया और बिना टोल दिए हो गए फरार। मेरठ के अस्पताल में भर्ती जवान डिस्चार्ज, कोरोना के शक में चल रही थी जांच। कटक में कोरोना के दो संदिग्ध को एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया। जम्मू कश्मीर के अरनिया में टेरर लिंक और हनी ट्रैप मामले में एक शख्स हिरासत में जान जाए। ओडिशा के कालाहांडी में हाथी ने मचाया उत्पात, सड़क पर लगा जाम, बड़ी संख्या में लोग। भुवनेश्वर में गेस्ट हाउस पर गेस्ट बनकर तीन शातिरों ने शादी समारोह में की लूटपाट, कैश ज्वेलरी लेकर फरार। हमीरपुर में चूहे पकड़ने में लगी सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी, बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रशासन ने दिया है फरमान। उधर सरकार लेट लतीफ कर्मचारियों पर हुई सख्त, वाशिम में दो तहसीलदारों को थमाया नोटिस। नोएडा में गोद में बच्चा लेकर ड्यूटी करती पुलिस कर्मी का वीडियो वायरल, सीएम योगी के दौरे पर थी तैनात। हरियाणा के कैथल में 65 साल के बुजुर्ग ने दिखाया पढ़ाई के लिए गजब का जज्बा, 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सतपाल। तरनतारन के कुश्ती खिलाड़ी गुरशरण कौर को एसजीपीसी ने किया सम्मानित, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हासिल किया है ब्रॉन्ज मेडल। सीतामढ़ी में स्कूली बच्चों को एक दिन के लिए दी गई डीएम और एसपी की कुर्सी, सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रशासन की पहल। बुलढाणा में 8वीं की छात्रा को बनाया गया एक दिन का कलेक्टर, महिला सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान चला विशेष अभियान। यवतमाल में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन खुली इंतजामों की पोल, खुलेआम नकल की तस्वीरें वायरल। एमएनएस के निशाने पर आए कॉमेडी सीरियल तारक मेहता के निर्माता, एक एपिसोड में हिंदी को मुंबई की भाषा बताने पर राज ठाकरे की पार्टी नाराज। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दी थी निर्माताओं को धमकी, एक्टर और डायरेक्टर ने मांगी लिखित माफी। बरसाना के श्रीजी मंदिर में धूमधाम से खेली गई लड्डूमार होली, आज होगी लठमार होली की शुरुआत। बरसाना में योगी ने राधा रानी मंदिर में किए दर्शन, रंगोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन। पंचकुला में पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किया उद्घाटन। बरेली में सामने आया 3 तलाक का मामला, फोन पर तलाक देने वाले पति के खिलाफ महिला ने दर्ज कराई एफआईआर। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला की जमानत याचिका खारिज, 7 मार्च तक रहेंगे सलाखों के पीछे। झारखंड के दुमका में बच्ची से रेप और हत्या के मामले में 3 दोषियों को सुनाई मौत, सेशन कोर्ट ने रात में भी सुनवाई कर रिकॉर्ड वक्त में दिया फैसला। सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 3 किलो विस्फोटक वाले आईईडी को किया डिफ्यूज। महोबा में रेलवे टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े का खुलासा, नकली आईडी से टिकट बुक कराने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पुणे में गैस सिलेंडर धमाके से रेस्टोरेंट में आग, सब कुछ जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के मुंडका इलाके में शातिर चोरों ने चंद मिनटों में उड़ाई 15 कार की बैटरी, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। अमरावती में कथित धर्मगुरु की काली करतूत, भक्त को चाय में पेट्रोल मिलाकर पिलाए। सड़क हादसे में मौत के मामले में सूरत की अदालत ने 15 साल बाद किया इंसाफ, मृतक के परिजनों को 1,23,00,000 मुआवजे का आदेश। मुरादाबाद में दहेज लोभी ससुर पर बहू की हत्या का आरोप, बेटे ने भी पिता के खिलाफ दी गवाही। अमृतसर में 2 गुटों में झड़प के दौरान फायरिंग, गोली लगने से 12वीं का छात्र जख्मी। फरीदाबाद में छेड़छाड़ करने वाले युवक की जमकर पिटाई, नशे में धुत था आरोपी। झांसी में छेड़छाड़ के विरोध पर दबंगों ने की मारपीट, लाठी डंडों से किया हमला। भोपाल में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 महिलाओं समेत कुल 10 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के जींद में बच्चों की हत्या का डर दिखाकर महिला से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना में स्कूटर सवार को बचाने के चक्कर में ऑटो पलटा, ऑटो पर सवार स्कूली छात्र हुए जख्मी। प्रयागराज में हुई अजीबोगरीब शादी, एक लड़के ने 2-2 प्रेमिकाओं की भरी मांग।
एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद हुए बेंजामिन नेतन्याहू, दक्षिणपंथी पार्टियों के किया मिलकर सरकार बनाने का आह्वान। नाइजीरिया के कादुना में हथियारबंद गैंग ने मचाया कत्लेआम, 50 लोगों की मौत की खबर। उत्तरी ब्राजील में बड़ा हादसा, नदी में डूबी नाव, 13 की मौत, 28 लोग अभी लापता। इंडोनेशिया में जावा आइलैंड के पास फटा माउंट पेरापू ज्वालामुखी, आसमान में 6 किलोमीटर तक राख का गुबार। अमेरिका के टेनेसी में भयंकर टोर्नेडो की चपेट में आने से 40 बिल्डिंग धराशायी, 2 की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।